हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ डोंगरगढ़ के कुम्हार पारा। यहाँ पर आज की वीडियो में आप लोग देख पाएंगे गणपति पापा की मूर्तियों को। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आप लोग भी, क्योंकि हमारे गणपति पापा जो है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर किस तरह की मूर्तियाँ बनाई जा रही है ये भी आप लोग देखना चाह रहे होंगे। तो आज की वीडियो में कम्प्लीट मूर्ति मैं आपको यहाँ की गणपति पापा की दिखाने वाली हूँ। काफ़ी सारी मूर्तियाँ जो है वो कम्प्लीट हो गई है, काफ़ी सारी नहीं भी हुई है, बाकी सबको आप लोग आज देख पाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप लोगों को छोटी बड़ी दोनों ही साइज़ की मूर्तियाँ मिल जाएगी और काफ़ी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ जो है पसंद आने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो में ही देख पाएंगे कि किस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। इस साल तो यहाँ बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई नहीं गई है, लेकिन जितनी भी मूर्तियाँ बनाई हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इन्होंने बताया कि बारिश की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ऑर्डर नहीं ले पाए हैं मूर्तियों का, क्योंकि मूर्तियों को सुखाने वगैरह में परेशानी होती है। तो बहुत कम ही मूर्तियाँ बनी हुई है इस साल, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जितनी भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी। आप लोग आकर ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को मूर्तियाँ ज़रूर पसंद आने वाली है। प्राइस वगैरह भी आप लोग जो है आकर के इनसे कर सकते हैं, जितना भी आप लोगों को चाहिए वो अपने हिसाब से आप लोगों को दे देंगे। और छोटी मूर्तियाँ जो है वो भी काफ़ी प्यारी प्यारी है यहाँ पे। तो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। लोग जो है सुबह से ही काम में लगे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं रात तक के, और मूर्तियों को रेडी करते हैं। ये देखिए, ये वाली जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बड़े साइज की है, और ये वाली जो मूर्ति है इसे हनुमान के रूप में मतलब बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो इसी तरह से बहुत ही नए नए डिज़ाइन की आप लोगों को मूर्ति मिल जाएगी इस साल में, और काफ़ी प्यारी प्यारी है। कलर होने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो आप लोग कुछ दिन के बाद अगर आते हैं आप लोग, तो आप लोगों को इनमें जो कलर वगैरह भी हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, उस टाइम भी देख पाएंगे आप लोग। डोंगरगढ़ में गणपति उत्सव काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, और अगर आप लोग भी डोंगरगढ़ में गणपति पापा को देखने आते हैं, उनकी झांकी वगैरह देखने आते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि पता तो चले कि गणपति पापा की जो वीडियो होती है और उनकी मूर्तियों को देखने वाले जो है कौन कौन है, कहाँ से है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो छोटे साइज़ की मूर्तियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी और प्यारी लग रही है, और ये जो मूर्तियाँ बनकर पूरी तरह से रेडी है, तो ये देखिए आप लोग, काफ़ी प्यारी मूर्तियाँ हैं। तो छोटे साइज में भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, और कुछ कलर वगैरह होना भी बचा है। ये देखिए, ये भी कितनी प्यारी और क्यूट है मूर्ति छोटी सी।
हैं।